बीएससी इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास सेवेंथ के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर वन एनवायरनमेंट के बारे में। इसमें हम लास्ट, अब हमारी 4 डेज क्लासेज हो चुके हैं ऑलरेडी, तो आज हम इसमें केवल क्वेश्चन आंसर के बारे में ही बात करेंगे स्पेशली। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर वन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज एन इकोसिस्टम? आपको इकोसिस्टम को आपको बताना है कि क्या है ये, और सिंपली डिफाइन करना है। पेज नंबर 5 पे आप स्टार्ट करेंगे इसका आंसर लिखना, क्वेश्चन नंबर 1 का। इकोसिस्टम को डिफाइन करना, व्हाट इज एन इकोसिस्टम? ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड्स ऑन दियर इमीडिएट सराउंडिंग्स, ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड दियर सराउंडिंग्स फॉर्म एन इकोसिस्टम। तो पहले वाले का, फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है, आपको ऑल प्लांट से शुरू करना है और फॉर्म एन इकोसिस्टम तक लिखना है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी लाइन। तो बहुत आसान है, आप यहां से क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर नोट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल एनवायरनमेंट? नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपको लिखने के लिए आप यहां पे नेचुरल एनवायरनमेंट में देखिए, नेचुरल एनवायरनमेंट में स्टार्ट करेंगे। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट। बस आपको ये एक लाइन लिखनी है और आपका आंसर पूरा हो जाता है। अगर आप चाहें तो एग्जांपल भी आप लिख सकते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट वाले, इस वाले पोर्शन से आप एग्जांपल भी लिख सकते हैं, लिविंग थिंग्स, लैंड, एयर, वाटर, ये सब आप जो है नेचुरल एनवायरनमेंट के एग्जांपल में लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। विच आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट के मेन कंपोनेंट कौन कौन से हैं? इसके आंसर के लिए, क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर के लिए आप ये पिक्चर नंबर जो आपका 1.1 है इसको आप देखिए। कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट में देर आर 3 कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। फर्स्ट इज नेचुरल, सेकंड इज ह्यूमन मेड एंड थर्ड वन इज द ह्यूमन। तो आपको नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन, नेचुरल एनवायरनमेंट, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट और ह्यूमन एनवायरनमेंट। चाहे तो आप एग्जांपल भी लिख सकते हैं, अगर आपकी इच्छा है तो लिखिए, अदरवाइज लिखने की ज़रूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो गिव 4 एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट के आपको कम से कम 4 एग्जांपल्स लिखने हैं, तो इसके लिए पिक्चर नंबर 1.1 ही ज़्यादा बेहतर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर लिखने के लिए आप देखिए, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट के 4 एग्जांपल लिखने हैं, तो पहला आप लिख दीजिए बिल्डिंग्स, सेकंड इज पार्क्स, थर्ड वन इज द ब्रिजेस एंड फोर्थ वन इज द रोड्स, मोनूमेंट्स, इंडस्ट्रीज, इसमें से कोई भी 4 भी आप लिख सकते हैं, 4 एग्जांपल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5th में हम बात करेंगे व्हाट इज लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या है? तो लिथोस्फीयर का आंसर लिखने के लिए आप देखिए, लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। तो इतना आपको इसमें लिथोस्फीयर वाले पार्ट में आपको आंसर में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, तो इसमें है विच आर द 2 मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोटिक एनवायरनमेंट। बायोटिक एनवायरनमेंट के 2 मुख्य कंपोनेंट कौन कौन से हैं? इसके लिए आपको यहां से आंसर मिलेगा, बायोटिक द वर्ड ऑफ लिविंग
ऑर्गेनिज्म, तो केवल कंपोनेंट लिखना है, तो इसमें आंसर में आपको लिखना है प्लांट्स एंड एनिमल्स। लेफ्ट साइड बायोटिक की डेफिनेशन लिखी है और उसके एग्जांपल लिखे हैं, तो आप प्लांट्स और एनिमल्स लिख दें। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज बायोस्फीयर, यह है इसका आंसर। बायोस्फीयर का डेफिनेशन आपको लिखना है प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड। आगे इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड वाटर एयर इंटरैक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। तो प्लांट एनिमल से शुरू करेंगे, सपोर्ट लाइफ तक लिख दीजिए। अगला क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम, तो इसका आंसर आपको लिखने के लिए नेचुरल इकोसिस्टम कौन सा नहीं है, तो देखिए डेजर्ट दिस इज नेचुरल, फॉरेस्ट भी नेचुरल है, एक्वेरियम जो है ये नेचुरल नहीं है। एक्वेरियम क्या होता है, माइंड मेड होता है, तो नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम, तो इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा एक्वेरियम। सेकंड क्वेश्चन है विच इज नॉट कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट, तो ह्यूमन इन्वायरमेंट का कौन सा इसमें कंपोनेंट नहीं है, देखिए रिलीजन और कम्युनिटी दोनों होता है, नहीं है मतलब लैंड, लैंड किसका पार्ट है, नेचुरल इन्वायरमेंट का। विच इज ए ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, ह्यूमन ने इसमें किसको बनाया है, माउंटेन नहीं नेचर ने बनाया है, सी नहीं नेचर ने बनाया, रोड सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज रोड। विच इज ए थ्रेट टू एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के लिए थ्रेट कौन सा होगा, ग्रोइंग प्लांट्स नहीं, ग्रोइंग पॉपुलेशन बिल्कुल सही, ग्रोइंग क्रॉप्स नहीं, तो इसका जो बेस्ट आंसर होगा एनवायरनमेंट के लिए थ्रेट जो है ये ग्रोइंग पॉपुलेशन होगा। अब अगला थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इसमें मैच द फॉलोइंग है, बायोस्फीयर को किससे मैच करेंगे आप, बायोस्फीयर को किससे मैच करेंगे, बायोस्फीयर नैरो जोन वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरैक्ट, फर्स्ट वाले को बायोस्फीयर को डी वाले से मैच करिए, एटमॉस्फियर फर्स्ट वाला होगा ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ, हाइड्रोस्फीयर डोमेन ऑफ वाटर इन्वायरमेंट और सराउंडिंग्स, तो ये चारों का चारों मैच हो गया, आपने सही बिल्कुल सही पकड़ा। अगला क्वेश्चन है गिव रीजंस, मैन मॉडिफाइज हिज इन्वायरमेंट, आपको रीजन लिखना है, तो गिव रीजंस का फर्स्ट का आंसर लिखने के लिए मैन मॉडिफाइज हिज एनवायरनमेंट, आपको पहली फर्स्ट लाइन देखिए, ह्यूमन बीइंग्स इंटरैक्ट विथ एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू दियर नीड्स, आप यहाँ से ह्यूमन बीइंग्स लेके नीड दियर नीड्स तक कर लीजिए, और उसके बाद Humans learn new ways to use the change environment. They learn to grow crops, domesticate animals and lead a settled life. The wheel was invented, surplus food was produced, barter system emerged, trade started, commerce developed, industrial revolution enabled large scale production, transportation became faster. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेड कम्युनिकेशन इजियर स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड, ये आपका आंसर हुआ, ह्यूमन बींग्स ले करके अकॉर्डिंग टू दियर नीड्स तक कर लीजिए पहली लाइन, उस ह्यूमन लर्न न्यू वेज टू चेंज एंड यूज एंड चेंज इन्वायरमेंट, यहाँ से ले करके स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड तक कर लीजिए, आपका ये फर्स्ट वाले का आंसर कम्प्लीट होता है। गिव रीजन में सेकंड क्वेश्चन है प्लांट्स एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर, गिव रीजन का सेकंड पार्ट,
गिव रीजन का सेकंड पार्ट का आंसर है ऑल प्लांट्स एनिमल्स ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग ऑफन दे आर आल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स फॉर्म एन इकोसिस्टम। तो यहाँ तक कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पांचवें क्वेश्चन में एक्टिविटी आपको करनी है इमेजिन एन आइडियल इन्वायरमेंट वेयर यू वुड लव टू लिव। आपको एक बच्चों कल्पना करनी है, एक आइडियल इन्वायरमेंट बनाना है, एक आदर्श पर्यावरण बनाना है जिसमें आप रह सको, और इमेजिन करना है आपको इससे रिलेटेड एक स्केच बनानी है, ड्रॉ द पिक्चर ऑफ योर आइडियल इन्वायरमेंट। तो आप उसकी एक पिक्चर बनाइए इसमें और बना करके दिखाइए। अगर ड्राइंग अच्छी है तो बड़ी अच्छी बात है, आप बनाइए और कोशिश तो ज़रूर करिए। तो इसी के साथ आज का क्वेश्चन आंसर का सेशन ख़त्म होता है। आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। कल हम एक नए वीडियो के साथ में नए टॉपिक के साथ में मिलते हैं आपसे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।